गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी कि अक्षर के बारे में अध्ययन। वर्ण विचार में वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में जानना होता है। पहले वर्ण किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे कि क, ख, अ, आ इत्यादि। तो अब इस तरह से जो है वर्ण की परिभाषा आप लोग अपने बुक से भी याद कर लेंगे, दूसरे तरह से कंटेंट वही रहेगा। वर्ण के भेद कितने होते हैं ये भी जान लीजिए। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसको कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जाए, जैसे स्वर वर्ण के उदाहरण हुए अ, आ इत्यादि। और स्वर वर्ण के भी दो भेद किए जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर, स्वर वर्ण में कुल जो 11 अक्षर होते हैं उसमें ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, अ, हर्षी, हर्षु इत्यादि। और दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में। तो उनके उदाहरण हैं आ, दीर्घ ई इत्यादि। अब आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे कि जब हम क लिखते हैं तो इसका उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वर की सहायता नहीं लेंगे, तब जाकर यह क बोला जाएगा। व्यंजन वर्ण के भी भेद हैं, इसको आप अपने पुस्तक से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण का जो भेद है उसके भी चार भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, यानी आपको नॉर्मली जो है व्यंजन वर्ण जब स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा तो उनके भेदों को आप जब परिभाषा के साथ याद करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अंदर के भागों को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जैसे क से ग तक के वर्ण इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ख, अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं होती वे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जैसे य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है उसको उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे तलाबे स, मूर्धनी स, दंती स, ह। चौथा आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इसको आप पढ़ेंगे और किसी तरह की समस्या होगी तो आप संपर्क सूत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे, उसका निदान आपको अगले नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।